आत्महत्या करनी पड़ती है, अपने बच्चों को मारना पड़ता है, मौत के मुंह में जाना पड़ता है, अपनी बेसहारा माँ, गरीब माँ को दवा ना देने की वजह से मौत के मुंह में भेजना पड़ता है, अपनी गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, विटामिन, मिनरल जो प्रचार में तो दिखाए जाते हैं, महिला आयोग तो जिन्हें दिखाता है, वुमेन सर्विसेज दिखाई जाती हैं, लेकिन वो एक अनुदेशक उत्तर प्रदेश में अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। कोई दुनिया का महिला 7 से 9 हजार में अगर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर ले, पेट भर ले, पेट भर के दिखा दे का कर्मचारी, मैं वकालत छोड़ दूंगा उस दिन, जिससे 7 से 9 हजार में अपने 6-6 लोगों का, 8-8 लोगों का परिवार का भी पालन पोषण कर ले, मोटरसाइकिल और साइकिल को मेंटेन करके नौकरी भी चला जाए, अपने साफ कपड़े भी पहन सके, क्योंकि वो तो मास्टर जी है ना, वो तो टीचर है ना, वो तो गुरु जी है ना, उत्तर प्रदेश की सभ्यता संस्कृति, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो माननीय योगी जी है, संत है, वो तो आदरणीय है, परम पूजनीय है, उनसे तो बड़ा कोई ईमानदार व्यक्ति देश में हो ही नहीं सकता है, उनके प्रदेश का टीचर कैसे गंदे कपड़े पहन के जा सकता है, क्योंकि गुरु जी महाराज जी उन्हें भी कहते हैं, और उस बच्चे को जो बच्चे बजाते हैं वो भी अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, टीचर अपनी टूटी चप्पलें, टू टीचर अनुदेशक उत्तर प्रदेश का अपनी टूटी चप्पलें, धागे बनी हुई चप्पलों को छुपाता है, क्योंकि जब उसका गुरु बच्चा उसके पैर छूता है, कहीं बच्चा ना देख ले टूटी हुई चप्पलें। सोचिए किस तरह की दोहरी जिंदगी इनको जीनी पड़ती है, जिसके बल पर ये अपने जिंदगी को चला पा रहे हैं, ये सोचने का विषय है।